अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं चना पुलाव। चना पुलाव बनाने के लिए हमें चाहिए चावल आधा किलो, बॉयल चने एक पाव, प्याज एक अदद, दही 3 टेबलस्पून, टमाटर 2 अदद दरमियाने साइज़ के, सब्ज़ मिर्च 4 से 5 अदद, लहसुन के जवे 3 से 4 अदद, अदरक थोड़ा सा, गरम मसाला जिसमें बेली 1 अदद, बादियान के फूल 2 अदद, लौंग 5 से 6 अदद, काली मिर्च 1/2 टीस्पून, दालचीनी स्टिक 2 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, ज़ीरा 1 टीस्पून, चिकन क्यूब 1 अदद, नमक 1 टेबलस्पून, सूर्ख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, इमली का पल्प 2 टेबलस्पून। इसके अलावा हम पुलाव बनाने के लिए यूज़ करेंगे वो पानी जिसमें हमने चने बॉयल किए थे। तो चलिए ये चना पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। पुलाव बनाने से पहले हम टमाटर, सब्ज़ मिर्च, लहसुन और अदरक को ग्राइंडर में डाल के इनकी पेस्ट तैयार कर लेंगे। बर्तन लें, उसमें 1 कप ऑयल डालें, साथ ही गरम मसाला ऐड कर दें। अब इसमें प्याज डाल दें। मसाले को उस वक्त तक भूनेंगे जब तक के प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, वो पेस्ट डाल रही हूँ। इसमें वो पेस्ट ऐड की है जिसे टमाटर, अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च को ग्राइंड करके पेस्ट बनाई थी। अब इसे थोड़ी देर के लिए कवर कर देते हैं। अब इसमें नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, अब इसमें दही शामिल करते हैं। अब इस मसाले को अच्छी तरह भून लेते हैं। इसमें चने ऐड कर देते हैं। साथ ही 2 टेबलस्पून इमली का पल्प डाल देंगे। अब इसमें 3 ग्लास पानी ऐड कर देते हैं। अब इसे कवर कर देते हैं। पानी बॉयल हो चुका है, अब इसमें चावल ऐड कर देते हैं।
साथ इसमें चिकन क्यूब डाल दें। अब इसे कवर कर देते हैं। पानी खुश्क हो चुका है, अब इसे स्लो आंच पे दम पे रख देते हैं। चूल्हा बंद कर देते हैं। चावल हमारे रेडी हैं। पुलाव रेडी है। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी, तो चलिए लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।